रिसर्चर्स को ऐसी ऐसी चीजें मिली जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले अति सूक्ष्म जीवों से मिलती जुलती थी। मानव इतिहास में मंगल ग्रह ने हमेशा से हमारा ध्यान खींचा है, लेकिन क्या उसकी वजह सिर्फ उसका चटक लाल रंग और आकाश में उसकी अहमियत भर ही है, या फिर उसके साथ कोई और गहरा परग्रही रिश्ता भी जुड़ा है? नासा जानता है कि मंगल ग्रह पर जीवन है, लेकिन वो किसी वजह से ये बात जाहिर नहीं करना चाहता। दुनिया भर के करोड़ों लोग मानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर परग्रही जमाने से आ रहे हैं। अगर उनकी बात सच हुई तो क्या प्राचीन परग्रहियों ने ही हमारे इतिहास को गढ़ा है? अगर हाँ, तो क्या वो लाल ग्रह मंगल से आए थे? 20 अगस्त सन 1975 अमेरिका ने एक टाइटन रॉकेट लॉन्च किया जो अपने साथ वाइकिंग अंतरिक्ष यान ले जा रहा था। वाइकिंग उस वक्त करीब 67 करोड़ किलोमीटर लंबे सफर पर जा रहा था और उसकी मंजिल थी रात के आसमान में नजर आने वाला सबसे अलग नजारा, मंगल ग्रह। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता तो ये चालकहीन यान मंगल ग्रह की सतह पर उतरता और वहां जीवन के संकेत ढूंढता। मुख्य धारा के वैज्ञानिक तो यही मानते हैं कि मंगल एक बेजान ग्रह है, क्योंकि वहां के तापमान में बड़ा जबरदस्त बदलाव आता है और वहां बहुत बड़ी मात्रा में सौर विकिरण होता है। अगर ऐसा है तो फिर नासा उसकी खोज पर $100 करोड़ क्यों खर्च कर रहा है? रात के वक्त आसमान का नजारा बिल्कुल ही अलग होता है। हम अपनी आंखों से उस लाल ग्रह को सिर्फ उसके रंग की वजह से देख पाते हैं। वैसे भी वो चांद के बाद आसमान में सबसे बड़ी चीज है। इसी वजह से उसने लोगों को आकर्षित किया और चौंकाया, क्योंकि हमारा धार्मिक तंत्र आमतौर पर आसमान के ग्रहों और नक्षत्रों से ही जुड़ा रहा है। लोग शुरू से ही ये अंदाजा लगा रहे हैं कि वहाँ क्या है, वहाँ क्या समझदार जीव है, क्या वो देवताओं का घर है। ये सिलसिला बड़े लंबे समय से चल रहा है। मंगल ग्रह पर जीवन होने की बात का अंदाजा तो हम उसी वक्त से लगा रहे हैं जब हम सिर्फ अपनी आंखों से मंगल ग्रह को देख पाते थे। वो ग्रह बाकी सबसे अलग है और अब हम जानते हैं कि वो हालात के लिहाज से पृथ्वी के सबसे करीब है। वैसे तो आकार और गुरुत्वाकर्षण के लिहाज से शुक्र ग्रह काफी हद तक पृथ्वी के जैसा है, मगर हमारी सौर मंडल में वो नर्क के जैसा माना जाता है। मगर मंगल हमारी पहुंच के अंदर माना जाता है। रात के आसमान में चमकते आग के उस गोले का जिक्र सबसे पहले मिस्र के खगोल वैज्ञानिकों ने किया था। 1534 ईसा पूर्व में उन्होंने ही सबसे पहले उसे मानव जगत को मालूम ब्रह्मांड के पहले नक्शे पर रखा था, जिसे सेनेमेट स्टार मैप कहते हैं। करीब 250 साल बाद मिस्र के लोगों ने मंगल ग्रह का चित्र सेटी प्रथम की कब्र की छत पर बनाया था। मगर जहां मिस्र के लोग मंगल ग्रह का सम्मान कर रहे थे, वहीं बहुत सी दूसरी प्राचीन संस्कृतियां मंगल ग्रह से डरती थी, क्योंकि वो उस लाल ग्रह को मौत, विनाश और युद्ध से जोड़ती थी। कुछ मानव शास्त्री इसकी वजह ये मानते हैं कि वो ग्रह लाल रंग का है और युद्ध के मैदान में बिखरे खून के रंग जैसा है। बड़े पुराने समय से ही मंगल ग्रह को युद्ध के देवताओं के साथ जोड़ा जाता रहा है। प्राचीन बेबीलोन में मंगल ग्रह का नाम नेग्राल के नाम पर रखा गया था, जो आग, मौत, तबाही और युद्ध के देवता थे। यूनानियों ने मंगल को इरिस का नाम दिया, जो उनके युद्ध के देवता थे। रोमन्स ने उसे मार्स कहा, जो उनके युद्ध के देवता थे। रोमन संस्कृति वैसे भी योद्धाओं की संस्कृति थी, इसलिए उस लाल रंग से जुड़ी हर बात को उन विशाल सेना से जोड़ा गया जिसने दुनिया पर जीत हासिल की थी, और वो कामयाबी की एक जबरदस्त कहानी है जो काफी हद तक मंगल ग्रह से जुड़ी थी। 42 ईसा पूर्व में ऑगस्टस की रोमन सेना ने मार्कस ब्रूटस के खिलाफ फिलिपी का युद्ध लड़ा, जिसमें ऑगस्टस अपने पालक पिता जूलियस सीजर की हत्या का बदला लेना चाहता था। ऑगस्टस ने अपने युद्ध के देवता मार्स से वादा किया था कि अगर वो इस युद्ध में जीत गया तो उनके लिए शानदार देवालय बनवाएगा। फिलिपी
वो युद्ध जीत गया और सीजर ऑगस्टस बन गया एक महान रोमन सम्राट, और उसने मार्स का देवालय बनवाया भी। जब भी रोम किसी से युद्ध लड़ने जाता, उस देवालय के दरवाजे खोल दिए जाते थे। उसे बदला लेने वाले मार्स का देवालय कहा जाता था, आज हम उसे युद्ध के दरवाजे कहते हैं। वो दरवाजे असल में मार्स के देवालय के दरवाजे थे, जिन्हें युद्ध के हिसाब से ही खोला या बंद किया जाता था। भारत से लेकर रोम तक हर प्राचीन संस्कृति में मंगल को बहुत सम्मान दिया जाता था। उसका मंगल से गहरा रिश्ता था। उन देवताओं में मार्स बड़ा अहम था, लोगों की कल्पनाओं में बड़ा ही अहम था, और लोग मानते थे कि उस लाल ग्रह से अपने रिश्तों को बनाए रखना जरूरी है। हालांकि बहुत सी प्राचीन संस्कृतियाँ मंगल ग्रह से अपना बड़ा करीबी रिश्ता मानती थी, लेकिन उनमें से ज्यादातर उसे पृथ्वी जैसा ग्रह भी नहीं मानती थी। उनके मुताबिक ग्रह भी सूरज की तरह ऐसी जगह होते हैं जहाँ कोई नहीं रह सकता। वो उन्हें भटकते हुए तारे मानते थे। असल में यूनानी भाषा में प्लैनेट का मतलब ही होता है भटकता तारा, प्लैनेटा। कुछ तारे अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं जो नक्षत्र मंडल में होते हैं, और कुछ ऐसे तारे होते हैं जो भटकते रहते हैं। वो सूरज के पीछे पीछे भागते हैं, क्योंकि वो भी स्थिर तारों की पृष्ठभूमि में सूरज की ही तरह घूमते हैं। आखिरकार 17वीं और 18वीं सदी में खगोल शास्त्रियों को दूरबीन मिली, जो इतनी शक्तिशाली थी कि उनसे मंगल ग्रह की सतह को देखा जा सके, और उसके बाद ही हम ये भी कल्पना करने लगे कि उस लाल ग्रह पर जीवन भी हो सकता है। 1860 में इटली के खगोल शास्त्री एंजेलो सैकी ने मंगल ग्रह की सतह को देखा, तो उन्हें लगा कि उसकी सतह पर सीधी लाइनें बनी हैं, जो एक दूसरे को काट रहे हैं। उन्होंने उन्हें नाम दिया कैनाली। ये बात अमेरिका के खगोल शास्त्री पर्सिवल लोवेल को भी सही लगी। तब पर्सिवल लोवेल ने अपनी एक वैद्यशाला बनाई फ्लैगस्टाफ एरिजोना में। वहाँ से काफी देर तक दूरबीन से मंगल ग्रह को देखते रहते। उन्होंने इस विषय पर कई किताबें भी लिखी। उनकी सोच बिल्कुल स्पष्ट थी। उन्होंने आम लोगों के साथ साथ कुछ वैज्ञानिक संस्थाओं को भी ये बात समझा दी थी कि मंगल ग्रह पर एक सभ्यता है जो अपने ग्रह पर खुदाई कर रही है, क्योंकि उसे अपनी फसल को सींचना है। मगर मंगल ग्रह में ऐसा क्या है जो इंसान को इतना आकर्षित करता रहा है? क्या उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो पृथ्वी के करीब है और रात के आसमान में वो चटक लाल रंग का नजर आता है? या कहीं प्राचीन अंतरिक्ष विचारकों की ये बात तो सही नहीं है कि मंगल ग्रह पर भी कभी समझदार जीव रहते थे? मंगल ग्रह का साइटोनिया क्षेत्र, 20 जुलाई सन 1976, एक परग्रही यान पृथ्वी से भेजा गया और वो मंगल ग्रह की सतह पर उतर गया। 10 महीने के लंबे सफर के बाद वाइकिंग प्रथम अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। नासा के वैज्ञानिकों के लिए ये बड़ी ही यादगार घटना थी। इतिहास में पहली बार अमेरिका ने किसी और ग्रह पर अपना यान भेजा था। वाइकिंग ऐसा पहला यान था जो मंगल ग्रह की सतह पर पूरी सफलता से उतरा था, और उससे हमें यह अंदाजा मिला कि उस ग्रह की सतह कैसी है, वहाँ के हालात कैसे हैं। उन तस्वीरों को देखकर तो यही लग रहा था कि मंगल की सतह भी प्रशांत क्षेत्र के रेगिस्तानों की सतह जैसी है, जैसे कि डेथ वैली की सतह। हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमारे उस सबसे करीबी ग्रह पर हमें ऐसा कोई नज़ारा भी दिख सकता है। वैज्ञानिक ये तो जानते थे कि मंगल ग्रह पर जीवन के लक्षण ढूंढ पाना दूर की कौड़ी है, मगर जब वाइकिंग ने मंगल ग्रह की सतह पर 4 परीक्षण किए और वहां की मिट्टी में सूक्ष्म जीवों को तलाशा, तो नतीजे बड़े ही चौंकाने वाले थे और उनसे विवाद भी खड़े हुए। डॉक्टर गिल लेविन ने उनमें से एक टेस्ट तैयार किया था जो वाइकिंग प्रोब ने वहां जाकर किया। सूक्ष्म जीव भी हमारे या आपकी या किसी भी दूसरे जीव की तरह सांस लेते हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हमने वहां से बड़ा ही छोटा सा नमूना लिया, चुटकी भर मिट्टी ली और उसे एक छोटे से कंटेनर में रख दिया। उसके ऊपर लगातार 7 दिनों तक नजर रखी गई, ये देखने के लिए कि उसमें बुलबुले बन रहे हैं या नहीं। चौंकाने वाली बात ये थी कि उस जांच से नासा के तय पैमाने पर ही जीवन के संकेत मिले। लेकिन एक दूसरी अहम जांच के नतीजे नकारात्मक थे, जिससे ये जांच की गई थी कि क्या मंगल की सतह पर जैविक तत्व हैं।
डॉक्टर लेविन का कहना है कि दूसरी जांच इस जांच जितनी संवेदनशील नहीं थी। उसके लिए एक चुटकी मिट्टी में मंगल ग्रह के 30 लाख बैक्टीरिया की जरूरत थी ताकि जीवन के संकेतों का पता लगाया जा सके, जबकि डॉक्टर लेविन की जांच के लिए सिर्फ 30 बैक्टीरिया ही काफी थे। इन दोनों जांचों की संवेदनशीलता को लेकर काफी विवाद हुआ, मगर मुझे तो लगा था कि ये दोनों ही सही हो सकती हैं। हो सकता है कि वहाँ जीवन हो, लेकिन शायद मिट्टी में इतने बैक्टीरिया नहीं थे कि हम इस बात का अंदाजा लगा सके कि वहाँ जैविक तत्व हैं या नहीं। मगर नासा बहुत सावधान थी, उसने साफ साफ कह दिया कि वहाँ जैविक तत्व हैं ही नहीं। कहानी खत्म, वहाँ जीवन नहीं। टियोटियोआकान, मेक्सिको। पुरातत्व शास्त्रियों ने सन 2003 में इस प्राचीन शहर में एक बड़ी ही चौंकाने वाली खोज की। यहाँ उन्हें फेदर्ड सर्पेंट के दीवाले के करीब 15 मीटर नीचे एक ऐसी सुरंग मिली जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। ये इस महाद्वीप का एक बड़ा ही पवित्र पिरामिड है। जमीन के नीचे जाकर वैज्ञानिकों ने बड़ी सावधानी से मलबे से भरी सुरंग की जाँच एक इंफ्रारेड स्कैनर से लैस रोबोट की मदद से की। करीब 80 मीटर नीचे उन्हें एक दूसरी गुफा मिली। उस सुरंग के आखिरी छोर, उस सुरंग के टर्मिनस पर ढेर सारे पीले रंग के धातु गोले थे जो मिट्टी के गोलों पर सुनहरा रंग चढ़ाकर बनाए गए थे। वो गोले बड़े ही दिलचस्प थे। मैंने पहले कभी भी वैसी कोई भी चीज किसी भी पुरातात्विक खोज में नहीं देखी है। अंदर से तो वो मिट्टी के थे, मगर बाहर से उनके ऊपर सुनहरी परत चढ़ी थी जिससे वो सोने के गोले लग रहे थे। उन सुनहरे गोलों का मकसद क्या था ये तो कोई नहीं जानता, मगर कुछ पुरातत्व शास्त्री मानते हैं कि जिस गुफा में वो गोले मिले थे वहाँ कोई धार्मिक अनुष्ठान होता था। उन मिट्टी के गोलों की तरह वहाँ की दीवारों पर भी सुनहरे रंग की परत चढ़ी थी। ऐसे में जब किसी अनुष्ठान के वक्त वहाँ पर एक मशाल भी जलाई जाती होगी तो वो गुफा रोशनी से जगमगा उठती होगी, वो ब्रह्मांड सी नजर आती होगी। उन खूबसूरत गोलों को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि कोई वहाँ ग्रहों के नमूने बना रहा था। हम ये तो जानते ही हैं कि माया लोगों के कैलेंडर पूरी तरह से हमारे सौरमंडल के ग्रहों के चाल पर आधारित था, खासकर सौरमंडल के अंदर वाले हिस्सों के ग्रहों की चाल पर। उस लाल ग्रह के साथ माया कैलेंडर के रिश्ते के बारे में ड्रेसडन कोडेक्स में अच्छी तरह से दिखाया गया है। माया काल की इस दुर्लभ किताब में लिखा गया है कि माया कैलेंडर आसमान में मंगल ग्रह की चाल पर ही आधारित है। ड्रेसडन कोडेक्स एक माया काल में लिखी गई 4 किताबों में से बची हुई एक किताब है। वो कई मामलों में एक खगोलीय पंचांग है। उस किताब में कई ऐसे अलग अलग हिस्से हैं जो अलग अलग खगोलीय घटनाओं की बात करते हैं। उनमें से एक है मंगल ग्रह। किताब के आखिरी भाग में एक पंचांग है जिसे 78 दिनों के 10 हिस्सों में बांटा गया है, यानी कुल मिलाकर 780 दिनों में इंसान के नजरिए से मंगल ग्रह भी आसमान में इतने ही समय में एक खास जगह पर लौट आता है। विद्वान मानते हैं कि मंगल ग्रह ने माया काल की ज्योतिष विद्या में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी और ड्रेसडन कोडेक्स में उसकी ही चर्चा है। उस पंचांग के ऊपर आसमान की एक पट्टी है जिसे अलग अलग खगोलीय प्रतीकों से दिखाया गया है और वो सब चित्र लिपि में बने हैं। उन सब के बीच से बाहर निकल रहा है एक ड्रैगन जैसा जीव। उस ड्रैगन जैसे जीव को ही मंगल ग्रह का चेहरा कहा गया है। मगर माया काल के खगोल विज्ञान में मंगल ग्रह को इतना महत्व क्यों दिया गया है? प्राचीन अंतरिक्ष विचारक मानते हैं कि इसका जवाब हमें उस मिथ से मिल सकता है जो उस पंख वाले सर्प देवता की कहानी से जुड़ी है। उनका ही देवालय उस गुप्त सुरंग के ऊपर बना था जहां से वो सुनहरे गोले मिले थे। माया परंपरा में उनके सबसे बड़े देवता को अक्सर पंख वाले सांप के रूप में ही दिखाया जाता था और वो मानते थे कि वही मार्स देवता की मौत की वजह बने थे। उन्होंने ही उन्हें मारा था, उन्होंने उनकी खाल उतार ली थी। ये एक बड़ा ही डरावना अनुष्ठान था जो संस्कृति में कई दूसरे तरीकों से किया जाता था।
मगर उस तरह से मौत देने का मतलब था अपने दुश्मन की ताकत को खींच लेना। मगर उनके देवता का नाम एक धूमकेतु से भी जुड़ा है। कुछ ऐसे चित्र भी मिले हैं जिनमें ऐसे धूमकेतु बने हैं जिनकी पीठ के पंख निकलते नजर आ रहे हैं। लटों को पंख की तरह दिखाया गया है और कुछ विद्वान मानते हैं कि उन उड़ने वाले सांपों और धूमकेतुओं के बीच कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर था। क्या ऐसा हो सकता है कि माया काल की ये मिथ जिसमें पंख वाले सांप को दिखाया गया है वो असल में धूमकेतु के उस विध्वंस का प्रतीक हो जिससे मंगल ग्रह का वायुमंडल ही खत्म हो गया था।